पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इंडिया की है, अगर यही पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कुछ रिजल्ट निकाल सकती है तो अब है। अगर इस टाइम को हमने खो दिया तो आगे होने वाला कुछ नहीं, इसी तरह से हम पिटते रहेंगे टेररिज्म से, और क्या होगा तो हमें मालूम नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी बातचीत हो रही है केवल बातचीत में ना समाप्त हो जाए। बड़ी अच्छी बातचीत हो गई, फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, वाइस प्रेसिडेंट से अच्छी बात हुई, हेड्स ऑफ स्टेट जापान से और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अच्छी बात हुई, बीडन साहब से बड़ी अच्छी बात हो गई, क्वाड की बड़ी अच्छी। इनका कोई फायदा नहीं है, ये जो टॉकिंग शॉप है इसको बंद करना पड़ेगा, इसका नतीजा दिखना चाहिए अब, और यही सरकार है जो इसका नतीजा दिखा सकती है। मेरा मानना ये है कि इस समय इस विजिट के बाद में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टेररिज्म हम एक्सेप्ट नहीं जी करते, इसके बरखिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन भी इसको कह चुके हैं कि अफगानिस्तान से टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ चाइना एक ऐसा देश है जो कंटिन्यूसली सपोर्ट करता जा रहा है, और वो करता रहेगा क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है वहाँ, और बाकी जी का जी कोई जी इंटरेस्ट भी जी नहीं है। लेकिन लेकिन क्वाड क्वाड को भी इसमें बनना पड़ेगा, एंड वी हैव टू सी लेकिन सम एक्शन। क्वाड ये ऐसा ना हो बातों कि से नहीं क्वाड चलेगा सिर्फ और काम। सिर्फ जो रस्म अदायगी रह जाए, जो कि सुशांत सरीन बात कह रहे थे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, कुछ देर बाद ये मुलाकातों की महत्वपूर्ण मुलाकात है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन अभी तक का जो प्रधानमंत्री का दौरा है उसको आप कैसे देखती हैं? सुप्रिया, धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। जब मोदी जी कहीं बाहर जाते हैं तो वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, और मैं आशा करती हूं कि उनका दौरा सक्सेसफुल रहेगा, उसकी शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन मैं बिंदुवार तरीके से दो चार बातें जरूर करना चाहती हूं। यहां पर कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का नाम लिया, अब बात नाम लेने से ज्यादा करनी पड़ेगी, और ये अभी तक वॉशिंगटन ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में कहा है कि उनका नाम लिया गया था, अच्छा किया गया अगर नाम लिया गया, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मुझे लगता है उनको कार्यवाही करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूं कि बहुत ज्यादा हमने 9 ट्वीट सोशल मीडिया पर किए मोदी जी की मीटिंग जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ हुई, लेकिन मैं देख रही थी कि वाइस प्रेसिडेंट ने अफ्रीकन प्रेसिडेंट से, नामीबिया के प्रेसिडेंट से मीटिंग करी, उसके बारे में ट्वीट किया, उन्होंने जो बाइडेन जी की मीटिंग के बारे में वीडियो ट्वीट किया, लेकिन दुनिया के सबसे सशक्त लोकतंत्र भारत के बारे में जब उनकी मीटिंग मोदी जी से हुई तो उसको क्यों नहीं ट्वीट किया गया? कहीं ना कहीं दिक्कत है, और मैं आपको बताती हूं वो दिक्कत क्या है। जो क्वाड था वो यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टनरशिप थी। 48 घंटे पहले यूएस ने ऑकस का अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके की पार्टनरशिप रहेगी। यूएस सबमरीन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को देगा, जो वो जापान और इंडिया को नहीं देगा। क्वाड को ऑलरेडी दोयम दर्जा दे दिया गया है। क्या मैं दो सवाल ही पूछना चाहती हूं, क्या वहां पर उस मीटिंग में भारत के अफगानिस्तान में सामरिक हितों पर चर्चा होगी? क्योंकि अमेरिका ने ऑकस बनाकर भी हमें दोयम दर्जा दिया, और जब 125 देशों की एक वक्तव्य इशू किया था उसमें भी हमें नहीं इंक्लूड किया गया था, और जब रशिया के यहाँ ट्रोइका प्लस बना था सुप्रिया, वहाँ पर चीन की आपत्ति पर, एक मिनट में खत्म जो कर दूँ, बिल्कुल आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा, लेकिन आपने बोला जब हमारी तरफ से वक्तव्य आया, हर्षवर्धन श्रृंगला, एक एक सेकंड, दर्ज करना जरूरी है। नहीं बिल्कुल, आप दर्ज करिए, आपत्ति आप दर्ज करिए, कोई उसमें दोराय नहीं है, लेकिन आपने बोला हर्षवर्धन श्रृंगला की तरफ से ये बोला गया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सुओ मेटर खुद ही संज्ञान लिया, क्या आपको भारत के विदेश सचिव पर भरोसा नहीं है? नहीं, इसका मतलब आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, मैंने शायद बात आप एंकर सुनी, होने मैं सवाल पूछ रहा और चीज में व्यस्त हो गए थे। फिर से सुनिए मैं क्या कह रही हूं। मैंने क्या कहा कि भारत ने यह बोला, अच्छी बात है अगर अमेरिका ने पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन अब नाम लेने से क्या होगा? आप यहां पर अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों पर, पाकिस्तान के इशारे पर, जो कि चीन के नाम पर इठलाता है, उनके हाथों में छोड़ के चले गए हैं। हमारे हितों की आपने कहीं रक्षा नहीं करी है। सुप्रिया जी, मैं भी आपको दुरुस्त कर दूं, करेक्ट कर दूं, आपने कहा था कि भारत की तरफ से ऐसा कहा गया, अमेरिका की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया, ये आपने बोला था, एग्जैक्ट वर्ड्स आपके यही थे। मैंने वही मेरी पूरी हाँ तो मेरी पूरी बात सुन लिया करिए अमीश जी, आप बस मेरे बीच में बोलते हैं और किसी के बीच में नहीं बोलते। चलिए, आपको लगभग पहले पौने दो मिनट दिए बोलने के लिए, आप अपने 40 सेकंड में बात रखते हैं सुधांशु जी। जी हाँ, मैं 30 सेकंड में रख दूंगी। भारत ने ये कहा, अच्छी बात है। मैं ये कह रही हूं कि विश्व स्तर पे हमें वो वजूद क्यों नहीं दिया जा रहा है? कमला हैरिस जी ने अफ्रीका और इंग्लैंड की मीटिंग्स के बारे में सोशल मीडिया पर डाला, हमारी मीटिंग के बारे में क्यों नहीं डाला? हमें अफगानिस्तान की बातों से क्यों दरकिनार करके रखा गया था?
2019 में हम गए थे, हमने वहां पर हाउडी मोदी और आपकी बार ट्रंप सरकार किया था। आज देखिए किस तरह के लोग वहां पर मोदी जी से मिल रहे हैं, टॉप नॉच सीईओस भी नहीं मिल रहे हैं। जिन लोगों से वो मिलकर आए थे उन्होंने एक ढेले का पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पेट्रोनेट ने 2.5 लाख करोड़ उठा दिया, हम तो पेट्रोनेट को ही बेच रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब थोड़ा सुर्खियों से निकल के भारत के सामरिक हितों की बात हर मंच पर हर वक्तव्य में करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने ऑकस बनाकर क्वाड को दोयम दर्जा देने का काम किया है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये दौरा सक्सेसफुल होगा उसमें बड़ा आपको संशय है। ठीक है, ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब सुधांशु त्रिवेदी जवाब, एक एक पॉइंट का जवाब सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। देखिए जो बात सुप्रिया जी कह रही है, अरे भाई हर कोई भी बड़ा देश अपने अलग अलग कारणों से अलग अलग सामरिक गठबंधन बनाता है। सारे सामरिक गठबंधन एक ही प्रकार के नहीं होते। अगर आपकी बात हम माने तो जिस जमाने में अमेरिका ने 1949 में नेटो बनाया था, 55 में सेंटो बनाया था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 56 में सीटो बनाया था साउथ ईस्ट ट्रीटी, और उसमें भारत कहीं नहीं था, तो क्या चौथे पांचवें दर्जे पर कर दिया था क्या? सब अपने अपने अलग तरीके से बनते हैं। उन्होंने जिस भी कारण से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ किया है वो एक प्रकार के देश है, एक प्रकार से अगर आप देखें तो वो एक दूसरे का एक्सटेंशन है वो देश। और यहां क्वैड में सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान नहीं रहता, जब तक आपकी दौरे हुकूमत थी जिस इलाके को क्वैड कहते हैं उसको कहा जाता था एशिया पैसिफिक, आज कहा जाता इंडो पैसिफिक, और अमेरिका ने भी अपनी कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया है। ये अपने आप में भारत के बढ़ते हुए क्षेत्रीय वर्चस्व का प्रतीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई उनको यह भी याद रखना चाहिए सुप्रिया जी को कि क्वाड की अवधारणा कब आई थी, मनमोहन सिंह के जमाने में 2007 में यह कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं कि यह कोई हमारा ही विचार था, यह तो बाईपार्टीशन होना चाहिए। जैसे आप अमेरिका में देखिए रिपब्लिकन राष्ट्रपति हो या डेमोक्रेट राष्ट्रपति हो, आतंकवाद को लेकर और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उनकी नीति में किंतु परंतु नहीं होता है। सिर्फ हमारे यहां इस प्रकार की राजनीति की बात आती है। दूसरी बात, उन्होंने यह कहा कि कमला हैरिस जी की तरफ से ट्वीट्स नहीं हुए, हमारी तरफ से ट्वीट्स हुए। वैसे खैर कांग्रेस को आजकल ट्वीट और ट्वीट का ज्यादा वो रहता है, परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं कमला हैरिस जी से मुलाकात जो प्रधानमंत्री जी की हुई वो इस कारण से भी अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, और जो अमेरिका को अपना रणनीतिक जो जवाब देना होगा तो जब भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति से होगी तब देनी होगी। अब तीसरी बात मैं उत्तर देता हूं, आपने कहा कि बात से आगे बढ़कर उनकी तरफ से आना चाहिए, तो जनाब आपके जमाने में तो ऐसी ऐसी बातें आती थी जिनका कि जवाब दिया जाए तो हालत खराब हो जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 2010 में भारत आए थे और उन्होंने 2012 में अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह जी को कोट करते हुए कि 26/11 के बाद यूपीए की सरकार ने इसलिए पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं की क्योंकि उससे